जैसे कि तुम सबको पता है, नया बियर रैंक सीजन आ चुका है जिसका नाम है सीजन नंबर 35। और 35 में तो बहुत सारे चेंजेस हो चुका है। सबसे पहला कि तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी अभी रैंक पुश नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसमें पहले जैसा तुम्हें प्लस नहीं मिल रहा है गेम के अंदर, और माइनस भी भर भर के मिल रहा है। ऊपर से यहाँ पर टाइम लिमिट कर दिया भाई, सच्ची में बहुत सारे लोगों को तो लग गया है। खैर, जो लोग ज्यादा गेम खेलते थे उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत वाली बात है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, इंडियन रूल्स को मानना भी पड़ेगा। तो चलो अभी फाइनली बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पर नया रैंक सीजन आया है और उसके साथ साथ रैंक पुश करना भी उतना ज्यादा ईजी नहीं है 35 सीजन में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक पावरफुल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तुम लोगों को, ताकि तुम लोग यहाँ पर जल्दी से रैंक पुश कर पाओ, जल्दी जल्दी हीरोइक या फिर मास्टर पे पुश कर पाओ। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक बढ़िया करेक्टर कॉम्बिनेशन, जिसको यूज करने के बाद तुम जल्दी जल्दी रिवाइव करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर अनलिमिटेड एचपी के साथ भी गेम प्ले कर पाओगे, है ना बढ़िया। तो अभी फाइनली बात करते हैं, सबसे पहले तुम्हें एक्टिव कैरेक्टर कौन सा चूज करना है। देखो, नया बियर रैंक सीजन में अगर तुम बियर रैंक को पुश करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तुम्हें डिमित्री के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर का पावरफुल जो एबिलिटी है, बात तो सही है। आई नो तुम लोगों में से काफी सारे लोग जो है यहाँ पर डिमित्री को पहले से ही यूज कर रहे हो, लेकिन अभी मैं जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ इसके साथ डिमित्री जो है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता कि डिमित्री कैरेक्टर करता क्या है तो तुम्हें मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ये कैरेक्टर एक जोन बनाता है जिसका रेडियस होता है 3.5 मीटर, यानी तुम जिस जगह पे ऑन करोगे उसी जगह को पकड़ के ये 3.5 मीटर की रेडियस को पकड़ेगा और उसी जगह पे एक सर्कल क्रिएट कर देगा। इससे होगा क्या कि तुम पर सेकंड जो है तुम्हें 10 HP करके मिलेगा, यानी भाई बहुत तगड़ा HP देता है। और सिरे पे ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें जो है रिवाइव भी अनलिमिटेड मिलता है। हाँ जी, ये क्या करता है, तुम जैसे ही इसी सर्कल के अंदर डाउन होते हो तो ये तुरंत तुम्हें रिवाइव कर देगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाओगे। और ऊपर से गाइस ये कैरेक्टर को ऑन करके तुम किसी भी दोस्त को भी रिवाइव कर सकते हो। तो इतना सही था ये कैरेक्टर का एबिलिटी जिसका नाम है डिमित्री। तो इसको यूज करो एक्टिव कैरेक्टर में। अभी बात करते हैं पैसिव कैरेक्टर तुम्हें क्या क्या लेना है। देखो, यहाँ पर पैसिव कैरेक्टर की जब भी बात हो रहा है तो सोनिया को छोड़ के बात नहीं किया जा सकता है बीआर रैंक के अंदर। खास करके सोनिया कैरेक्टर ने तो गेम के अंदर तहलचा मचा चुका है। लड़की का पावर भाई सच्ची में खतरनाक ही होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, चाहे तुम रियल लाइफ का भी देखो या गेम का भी देखो, दोनों में ही बढ़िया चल रहा है। तो बेसिकली सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, तुम जैसे ही डाउन होते हो ना उसी टाइम ये कैरेक्टर तुम्हें जो है भूत बना के 3 सेकंड तक रख देता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें भूत बना के 3 सेकंड तक रखता है। और तुम भूत बन के एनिमी को मार देते हो अगर, तो तुम फिर से जिंदा हो जाते हो बिना डाउन हुए। और अगर डाउन हो चुके हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास है ना डिमित्री। देखो, जैसे ही तुम्हें 3 सेकंड के लिए भूत बनाया जाएगा उसी टाइम तुम एक चीज कर सकते हो, जिस तरफ एनिमी है, जिस तरफ तुम्हें मारा वो एनिमी, उसी तरफ एक गुलवर लगाओ। उसके बाद यहाँ पर डिमित्री कैरेक्टर को ऑन कर दो, फिर मस्त यहाँ पर डाउन हो जाओ, अपने आप रिवाइव हो जाओगे। तो ये कैरेक्टर को इसके साथ जरूर यूज करना। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एक्टिव में डिमित्री को लेना है और यहाँ पर पैसिव में सबसे पहले सोनिया कैरेक्टर को लेना है। अभी बात करते हैं नंबर 2 पैसिव कैरेक्टर के बारे में। देखो, यहाँ पर अनलिमिटेड HP डाउन की बात हो रहा है, बहुत कुछ बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर BR रैंक के अंदर गुलवाल का भी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, और गुलवाल तो होता नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए तुम्हें जो कैरेक्टर बताने वाला हूँ इसको यूज करो। ये कैरेक्टर क्या करेगा, तुम्हारे गुलवाल का पावर को इंक्रीज करेगा। और सिर्फ ही नहीं, जैसे ही एनिमी तुम्हारे ग्लूअल को फोड़ने की कोशिश करेगा उल्टा तुम्हें HP मिलेगा। अच्छा, और ये करेक्टर का नाम है नायरी। और इसी करेक्टर के साथ तुम बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हो, डिमित्री, सोनिया और नायरी। देखो, यहाँ पर ये 3 करेक्टर की कॉम्बिनेशन तुम्हारे गेम को काफी ज्यादा हाई लेवल तक लेके जा सकता है। बट उसके अलावा जो लास्ट वाला करेक्टर कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको यूज करने के बाद तो तुम्हारा मैक्स HP 280 तक हो सकता है, जिसका नाम है लुकेटा। और लुकेटा को मैं इसीलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम एकदम रास गेम प्ले कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर लुकेटा करेक्टर को अगर तुम यूज
करते हो तो बाकियों से तुम्हारा एचपी जो है काफी ज्यादा हाई रहेगा, जैसे कि 250 280 ऐसा कुछ एचपी तुम्हारे साथ रहेगा। देखो अगर तुम इसके साथ बूस्टर यूज करते हो तो 280 मैक्स एचपी हो जाएगा तुम्हारा, बट अगर तुम बूस्टर यूज नहीं करते हो तो यहाँ पर जो है तुम्हें 250 एचपी तक मिल सकता है इसी करेक्टर की वजह से। तो तुम्हें मैं और एक बार बता देता हूँ कि कौन सा करेक्टर तुम्हें लेना चाहिए। सबसे पहले तुम लो डिमित्री को, जिसको एक्टिव करेक्टर में यूज करो, और यहाँ पर पेसिव में लेना है तुम्हें सबसे पहला सोनिया, उसके बाद यहाँ पर नायरी, और यहाँ पर तीसरा करेक्टर लेना है लुकेटा। और सेम टू सेम करेक्टर को यूज करने के बाद तुम्हारा गेम प्ले कैसा हो रहा है, देखो ये बेसिकली तुम किस तरह से यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर तुम करेक्टर को टाइम पे यूज नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर तुम 10-10 एक्टिव करेक्टर का स्किल लेके खेलोगे तो भी कुछ नहीं उखड़ पाओगे। और अगर तुम्हें सही टाइम पे यूज करना आता है तो तुम यहाँ पर तहलचा मचा सकते हो गेम के अंदर। तो जाओ यार फटाफट रैंक पुश करो, और हाँ यहाँ पर नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और उसके अलावा अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।